दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग टेक्निक्स के अपडेट पाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक्निक्स। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे सैमसंग से कि दोस्तों सैमसंग की तरफ से आज दो नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A52 साथ ही दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M12 फाइनल दोस्तों आज TKDN सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्दी एशियन कंट्रीज में देखने को मिलने वाले। तो देखते हैं इस अपकमिंग सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A52 को साथ ही दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M12 के बारे में और क्या खास डिटेल्स लेके आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आप इनमें से किसी भी एक स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे टेक्निक्स की ओर जो कि निकल के आ रही है मोटोरोला की तरफ से कि दोस्तों मोटोरोला की तरफ से एक नया स्मार्टफोन मोटोरोला X12097/12 फाइनल दोस्तों आज FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है और साथ ही दोस्तों इसकी रूमर नाम वगैरह भी निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों मोटोरोला की तरफ से दोस्तों ये जो नया स्मार्टफोन है ये शायद मोटोरोला माल्टा लाइट 21 के नाम से लॉन्च हो सकता है। तो देखिए इस मोटोरोला की तरफ से आने वाले माल्टा लाइट 21 के बारे में और क्या खास डिटेल्स लेके आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आप इस मोटोरोला की तरफ से आने वाले माल्टा स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों यहाँ पे ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों ओप्पो ने फाइनली आज अपने एक नए स्मार्टफोन डिजाइन को लेकर पेटेंट को फाइल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों ये जो ओप्पो की तरफ से अपकमिंग नए स्मार्टफोन है इसमें आपको एक रियर प्लस सेल्फी कैमरा पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगी। इसका मतलब दोस्तों इसमें जो पॉपअप मैकेनिज्म होगा, इसमें जो कैमरा लगा होगा, उसमें आपको एक प्रिज्म डिजाइन देखने को मिलेगी जिससे कि आप एक ही कैमरा मॉड्यूल से फ्रंट और सेल्फी दोनों ही एक ही साथ ले पाएंगे। तो देखते हैं इस अपकमिंग ओप्पो की तरफ से नए स्मार्टफोन के पेटेंट के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है और बेसिकली दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये हमें कब तक देखने को मिलती है इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे रियलमी की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो रियलमी की तरफ से अपकमिंग रियलमी वॉच 2 है दोस्तों ये फाइनली आज इंडोनेशिया टेलीकॉम सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। साथ ही दोस्तों ये जो स्मार्ट वॉच है ये शायद हमें बहुत ही जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं इस रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी वॉच 2 के बारे में और क्या खास डिटेल्स लेके आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे वीवो की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों जो वीवो की तरफ से आने वाले अपकमिंग S7T वाला स्मार्टफोन है ये दोस्तों फाइनली आज चाइना के टेलीकॉम सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है और ये जो स्मार्टफोन है ये हमें शायद इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। और बेसिकली दोस्तों ये जो वीवो की तरफ से आने वाले वीवो S7T वाला स्मार्टफोन है इसमें आपको 6.44 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में 8GB की रैम प्रोवाइड की जाएगी 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो देखते हैं इस वीवो की तरफ से आने वाले S7T वाले स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स लेके आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों बढ़ते हैं मेरे आज के आखिरी टेक्निक्स और जो कि निकल के आ रही है नोकिया की तरफ से कि दोस्तों जो नोकिया का 3.4 वाला स्मार्टफोन है ये शायद बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और रूमर ऐसा बताता है कि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये शायद नोकिया 5.4 के साथ ही लॉन्च होने वाला है जो कि फरवरी 10th को आपको देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं इस नोकिया की तरफ से अपकमिंग नोकिया 3.4 वाले स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आप इनमें से किसी भी एक स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा टेक्निक्स पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।